आने से रोका गया अंग्रेजों के द्वारा, जो कि यहाँ हुई है लूटमार। मूवीज के अलावा यहाँ पे बहुत सारे टीवी सीरियल्स की भी शूटिंग की गई है। 34 वर्ष लगाए थे इस मंदिर का निर्माण करने के लिए, शिव मंदिर का। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और मैं हो चुका हूँ रेडी। आज की राइड होने वाली एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि 2444 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कि 8018 फीट की ऊंचाई पे वो ग्राउंड। और पैकिंग सारी होगी है, सामान सारा मैंने बाइक पे शिफ्ट कर दिया है। बहुत ही सही बजट फ्रेंडली रूम मिल गया था मुझे यहाँ पे। सो चलते हैं गाइस। और बाइक कर दी है मैंने ऑन, थोड़ा सा इंजन गर्म हो जाएगा, ठंड बहुत है कसौली में। अपना सामान जो है वो बांध दिया है बाइक पे, बाइक रेडी है इन ऑल रिस्पेक्ट। सो गाइस, मैप लगा लिया है, 2 घंटे का सफ़र है। आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे एक पैलेस भी है, महल है, वहाँ पे एक देखने लायक शिव मंदिर है और काली माँ जी का मंदिर है वहाँ पे। तो बहुत सारे प्लेसेज हैं जो देख सकते हैं हम, वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखो भाई, ये मार्केट है कसौली की। गूगल मैप के सहारे चल रहा हूँ, जिस रास्ते से लेके जाएगा उसी से जाना पड़ेगा। 16:22 और धर्मपुर 6 किलोमीटर यहाँ से है, 4। देखो गाड़ियाँ आती रहती हैं टूरिस्ट की सारी ना इधर। क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ों पे जो मकान, बहुत ही खूबसूरत है भाई। कसौली जो है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, हिली एरिया है, हिल स्टेशन है, यहाँ आइस बर्फ भी गिरती है। बट अभी बोलते हैं कि मौसम ख़राब हो ना, 2-3 दिन अगर बारिश हो उसके बाद टेम्परेचर डाउन होता है और उसके बाद गिरती है इधर बर्फ़। अभी भी 32 किलोमीटर दूर है जो डेस्टिनेशन है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूँ चैल, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, एक हिली प्लेस है। ये देखो भाई रोड, देखो यहाँ के चैल, चैल यहाँ से ही जाते हैं, देख सकते हैं ये है साधु पुल। मैं नीचे जाके थोड़ा सा कुछ खा पी लूं। सो गाइस, मेरे साथ जो भाई है ना, इनका अपना इधर रेस्टोरेंट भी है ना। हाँ जी, पहाड़ी बंदे ढाबा है इनका इधर, और ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है। कैंपिंग के लिए भी है, इनका कैंप भी लगा रखे इन्होंने यहाँ। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी रिवर साइड बैठ के कर सकते हैं ना, नज़ारे लेते हुए। अच्छा, रूम्स भी हैं आपके पास? तो रूम्स के क्या प्राइस हैं भाई? रूम्स सर 2000 से स्टार्ट होते हैं, जो कैंप के ये कैंप वाले रूम है ये 1500-2000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 3000-4000 तक रूम्स। अच्छा, बाकी फूड वगैरह अवेलेबल हो जाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ। हाँ जी, कैंपिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग वगैरह हो जाती है। हाँ, पैराग्लाइडिंग भी होती है? पैराग्लाइडिंग आगे जुंगा में होती है, चर्किंग वगैरह हो जाती है। ओके भाई, गाइस अपना आ गया ब्रेड ऑमलेट और चाय, और मैं कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, फिर मिलता हूँ आप सभी से। सो चलते हैं अभी, 12-13 किलोमीटर और है चैल यहाँ से। ये है साधु पुल, जो कि 23 अगस्त 2014 में टूट गया था, एक भारी भरकम ट्रक इस पुल के ऊपर से गुजरा था, तो जो पुराने वाला था, और 2018 में नया बना है। मैंने अभी वहीं पर जो एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताई ना, वहीं पर मैंने ब्रेकफास्ट किया, और अब धीरे धीरे चलते हैं। अभी भी 6.6 किलोमीटर है यहाँ से, और धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है। छोटी गाड़ियाँ भी दिखने को मिल जा रही हैं, बसेस भी मिली रास्ते में, और ये पेड़ जंगल और उसके बीच में रोड बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब पाइन ट्रीज हैं। शिमला और इसकी हाइट कंपेयर की जाए तो ये ज़्यादा हाइट पे है। चायल इधर 6 किलोमीटर लिख रहा है, 1.1 किलोमीटर का साइज स्टार्ट हो जाएगी चायल इधर से।
और मेन पॉइंट ऊपर तो 6 किलोमीटर और होगा। तो अभी देखो पाइन के ट्री यहाँ तक है और इसके आगे के देखो ये देवदार के पेड़ स्टार्ट हो गए इधर से, इसके आगे पूरे देवदार के जंगल है। ठंड नीचे के मुकाबले थोड़ी बढ़ गई है अभी। ये पेड़ जहाँ होते हैं ना वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा ही होता है। और ये हाइट पे मिलेंगे आपको पेड़, देवदार के जो पेड़ हैं। शायद मैं पहुँच गया चाइल, और ये चाइल की है मार्केट मेरे हिसाब से, तो चाइल लिखा हुआ ना, बस अड्डा भी है चाइल में एक। गाइस ये है द पैलेस, मेरे ख्याल से यहीं से जाते हैं अंदर। एंट्री फी है यहाँ की 200 रुपीज पैलेस के लिए, और अभी ये हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर में, यहाँ लगा देता हूँ पार्किंग में। बोलते हैं कि जब महाराजा भूपेंद्र सिंह को शिमला आने से रोका गया अंग्रेजों के द्वारा, जो कि उस टाइम की अंग्रेजों की गर्मियों की राजधानी थी, तब भूपेंद्र सिंह जी ने डिसाइड किया कि वो भी अपनी कैपिटल बनाएंगे जहाँ पे वो अपने गर्मियों के दिनों में आके रह सकें। चायल जो छोटा सा विलेज है वो एक परफेक्ट जगह लगा उनकी गर्मियों की राजधानी के लिए, और ये जगह जो थी वो देवदार के घने जंगलों से घिरी हुई थी, और शिमला जो था वो यहाँ से ट्रैक दिखता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि चायल जो है 2226 मीटर, जो कि ब्रिटिश कंट्रोल्ड शिमला से ज़्यादा हाइट पे था। और इस पैलेस में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, कई मूवीज़ की आओ प्यार करें, प्यार झुकता नहीं जैसी मूवी की यहाँ पे शूटिंग हो रखी है। पे यारियाँ 2 मूवीज़ की भी शूटिंग हो रखी है, ये दिल लगी अक्षय कुमार सैफ अली खान की जो मूवी थी उसकी भी शूटिंग यहाँ हुई है। लूट मार मूवीज़ के अलावा यहाँ पे बहुत सारी टीवी सीरियल्स की भी शूटिंग की गई है। तो गाइस ये तो हमने देख लिया अंदर से महल, और अभी मैं जा रहा हूँ शिव मंदिर, और टाइम मेरे ख्याल से 2:30 बज चुके हैं, तो चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और 4 किलोमीटर है इधर से शायद आगे ना, देखो अभी दिन में ना 2 बज रहे हैं, अभी पब्लिक आग सेक रही है, इसका मतलब यहाँ से ठंड का अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी ठंड है। टेम्पल इन माई ड्रीम करके है ये शिव मंदिर, एक व्यक्ति था जिसने 34 वर्ष लगाए थे इस मंदिर का निर्माण करने के लिए। शिव मंदिर का 34 ईयर्स लगा दिए उस इंसान ने भगवान शिव जी के इस मंदिर का निर्माण करने के लिए। बहुत पतला रास्ता है शिव मंदिर तक का, ये ये है वो मंदिर। ओके जी भाई पहुंच गया मंदिर में। सो ये है एंट्रेंस, 34 ईयर्स लगा के बनाया है इसको। ये देखो भाई पत्थरों से, सीमेंट से, मिट्टी से, ये सरिया है उससे बना है। Thank you.
गाइस मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। ये सर हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्यभूषण है जी। तो जी आप क्या जानना चाहेंगे इसके बारे इस मंदिर के बारे में? आपने मंदिर कब बनाना स्टार्ट किया और क्यों बनाना स्टार्ट किया था सर? वो मैंने ये तो काफ़ी पहले मैंने कर दिया शुरू और म्यूजियम के बेस पर मैंने शुरू किया था। रेगुलर वर्क मैंने तो 1980 में किया है। इसमें 75 में इसकी डिगिंग शुरू की थी, इसमें गुफा वगैरह बनी है ना, तो 75 to 80 मान लो आप, और 80 के बाद अभी तक आप ये मान लो कि अभी भी चल रहा है काम, पर मैं अब लेबर हेल्प टेक्नीशियन हेल्प वगैरह लेता हूँ। अच्छा सर। जहाँ आप खड़े हैं ना ये तो प्राइवेट एरिया, इसमें भी ये है टेम्पर टाइप ही बना रहा हूँ अभी तो, बाद में मुझे भी पता नहीं कहाँ पर इमेजिनेशन ले रहा हूँ, ड्रीम ले रहा हूँ इसमें। हाँ जी, तो ये लिखा भी है आपने कि टेम्पल ऑफ माय ड्रीम्स करके। हाँ, इसी करके इसमें चीजें आ भी रही है, कुछ डिफर आएगा बन के, पर इट विल टेक टाइम अबाउट 2 years। ओके सर, अराउंड 34 years आपने लगाए हैं इसको बनाने? 34 तो वो नीचे वो जो बोर्ड है वो तो बहुत पहले का लगा हुआ, उसके बाद में 45 years तक टोटली। अच्छा, टोटल 45 years हो गए आपको। वही बहुत ही खूबसूरत बनाया सर, इमेजिनेशन जो आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सर। मैंने एक ब्लॉग देखा था सर, उन्होंने बताया था कि आपके कहीं भगवान जी ने, सिर्फ भगवान जी ने दर्शन दिए थे आपको। वो तो है, वो तो मैं सभी को ही बताता रहता हूँ। शुरू जब मैंने किया ना 80 में यहाँ, तो महादेव लाइव मुझे दिखे उस पॉइंट पर ना, बाहर जहाँ अच्छा फिगर बना हुआ है। अच्छा जी। वो भी 2 types से आता है, 40-50 दिन के बाद मुझे एक और ड्रीम आवाज में आता कि महादेव उठ के चले गए बनाने को बोल गए। 3rd time स्नेक आ गया था बस, तब मैंने तो सोच लिया कि बनाना है मुझे। हाँ, फिर म्यूजियम मैंने छोड़ दिया उस टाइम, और फिर मैं टेम्पल की तरफ मुड़ गया। फिर टेम्पल में अलग टच था भी आया, मैं म्यूजियम बना रहा। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। चलो धन्यवाद सर जानकारी के लिए। सर सर ने बताया कि उन्होंने कैसे ये मंदिर बनाना स्टार्ट किया, तो बात करके बहुत अच्छा लगा। सो चलते हैं गाइस, अभी मुझे जाना है चैल के जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे जाना है, सो निकलता हूँ मैं। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ वापस यहाँ से, और रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। ये चैल का जो ग्राउंड है, वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट पिच जो है वो इधर मिलिट्री स्कूल है, इधर चैल में शायद ऊपर है वहाँ, उसके अंदर ही है। तो देखते हैं, जाने देंगे तो चले जाएंगे। आगे जाना अलाव नहीं है, जो हाईएस्ट वर्ल्ड की पिच है वो मिलिट्री स्कूल का ग्राउंड है और मिलिट्री एरिया में आता है, ना कि स्टेट के एरिया में। तो वहाँ पे जो सर ड्यूटी पे थे गेट पे, उन्होंने मना किया आगे जाना अलाउ नहीं है। मैं जा रहा हूँ वापस, नहीं अलाउ तो नहीं जा सकते, बट आपको बता दूँ कि वो हाईएस्ट पिच जो है क्रिकेट पिच जो है वो यहीं पे है। अब मैं जाऊँगा काली माँ जी के मंदिर में, माथा टेकूँगा और फिर आगे का प्लान सोचूँगा कि मुझे कहाँ रुकना है जाके रात को। चढ़ाई है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना, तीखी चढ़ाई है मंदिर तक। इस जंगल में जो है बांध के पेड़ ज़्यादा हैं, और देख लो भाई जंगलों के बीच के खूबसूरत रास्ते दर्शन कर लेते हैं जब आए हुए हैं इधर माँ जी के। वो पार्किंग है अंदर, मैंने सुना है। चलो तो फिर, और वाइट मार्बल से बना हुआ है मंदिर, पूरा वाइट मार्बल है जो धूप से चमक रहा है। ये है पार्किंग। तो चलते हैं गाइस मंदिर में, माता जी के दर्शन करते हैं। काली का टिब्बा टिब्बा लिखा था मंदिर है, ये काली माता जी का मंदिर है। देखो भाई ऊपर तक सीढ़ी है। माता जी
सो गाइस दर्शन करने के बाद मैं निकल चुका हूँ वापस, और रात को कहाँ रुकना है अभी ये देखना पड़ेगा मुझे। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ गाइस, ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको सही लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए। और मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।